का हेलीकॉप्टर MI-17 गिरा, 19 लोगों की मौत की आशंका, 5 अफसर समेत 8 लोगों के शव मिले। केदारनाथ से लौटने के बाद ठीक 10 मिनट बाद गौरीकुंड के पास दर्दनाक हादसा, वायुसेना अध्यक्ष NAK ब्राउन आज गौरीकुंड जाएंगे, ITBP की टीम भी मौके पर रवाना होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हादसे पर अफसोस जताया, मारे गए जवानों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान, नरेंद्र मोदी भी देंगे 5-5 लाख रुपए। पहाड़ पर आए प्रलय में मरने वालों की संख्या बढ़कर 800 के पार, मुख्यमंत्री ने कहा 1000 तक हो सकती है संख्या, केदारनाथ में आज शवों का अंतिम संस्कार हो सकता है। तबाही के बाद 96,000 लोगों का हुआ रेस्क्यू, 8,000 लोग अभी भी अलग अलग जगह में फंसे, बद्रीनाथ में 4,000 और हर्षिल में 2,000 लोगों को निकाला जाना बाकी। तबाही के बीच से लौटे फैजाबाद के जज का खुलासा, हर तरफ लूटपाट और लापरवाही का आलम, लड़कियों से गैंगरेप जब्त हुए। तबाही के दौरान हुई लूट की रकम उत्तरकाशी के थाने में, पुलिस ने अब तक NDRF को नहीं सौंपी, साधु के भेष में लुटेरों ने ITBP ने बरामद किए थे 1.25 करोड़ रुपए। बीजेपी करेगी आपदा प्रभावित लोगों की मदद, लखनऊ से राहत का सामान जाएगा उत्तराखंड, राजनाथ सिंह दिखाएंगे हरी झंडी। राहुल गांधी उत्तराखंड से लौटे दिल्ली, 9 दिन बाद पहुंचने पर गुप्तकाशी में हुआ सवालों से सामना, लोगों को दी सफाई, कहा पहले आता तो होती राहत काम में परेशानी। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी का शिंदे से सवाल, पूछा मोदी को क्यों रोका, सरकार ने अपने नियम ताक पर रख दिए। तबाही के शिकार लोगों के जख्मों पर LIC का मरहम, बीमा की रकम के लिए भटकना नहीं होगा, डेथ क्लेम सेटलमेंट के नियम बनाए जाएंगे आसान, वित्त मंत्री के निर्देश पर राहत। जम्मू कश्मीर को आज प्रधानमंत्री देंगे बड़ा गिफ्ट, काजीगुंड से बनिहाल के बीच रेलवे लाइन का करेंगे उद्घाटन, सोनिया गांधी भी होंगी साथ। जम्मू के पुंछ बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन, दुर्गा पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। गोवा में समुद्री तट की सुरक्षा पर चौकसी बढ़ाई जाएगी, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने दिया आदेश, हथियारों से लदे जहाज के सिंगापुर के रास्ते भारत में आने की खबर। दिल्ली के चुनाव मैदान में अरविंद केजरीवाल की शीला दीक्षित को खुली चुनौती, उत्तरी दिल्ली से केजरीवाल लड़ेंगे चुनाव, आपकी दूसरी लिस्ट जारी। दिल्ली में प्रदूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत, NCERT कॉलोनी में 50 से ज्यादा लोग बीमार, जल बोर्ड ने झाड़ा पल्ला, कहा हम साफ पानी सप्लाई करते हैं। हरियाणा के करनाल में 2 नाबालिग लड़कियों ने की खुदकुशी, नारी निकेतन के बाथरूम में फांसी लगाकर जान दी, 2 दिन पहले दोनों ने संस्था से की थी भागने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के मालदा में बम विस्फोट धमाके में 9 लोग जख्मी, अस्पताल में भर्ती 3 की हालत बेहद नाजुक। लखनऊ में विधानसभा के बाहर शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, तनख्वाह बढ़ाने की मांग को लेकर किया था रोड जाम। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन, वीरांगना बनकर महिलाओं ने निकाली रैली। अलीगढ़ में SP विधायक पर केस, पुलिस लाइन थाने में डकैती, जान से मारने की धमकी देने, सरकारी काम में बाधा डालने पर FIR, MLA राकेश सिंह ने कहा आरोप बेबुनियाद। गुजरात में अब दूध पीना होगा महंगा, अमूल के दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया जाएगा, जुलाई के पहले सप्ताह में बढ़ी कीमतें लागू होंगी। ब्राजील में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट सुविधा की मांग पर हंगामा। ताइवान की संसद में जमकर चले लात घूंसे, संसद सत्र के दौरान सत्ताधारी और विपक्ष के नेताओं में घमासान। फिल्म रांझना की सफलता के बाद पहली बार मीडिया के सामने आया अभय देओल, केदारनाथ की तबाही पर जताया शोक।